बर्फ ले आए थे शरबत के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज क्या व्लॉग करते हैं शुरू। आज है हमारी दावत है इफ्तार, तो उसके लिए लेने जा रहा हूँ सामान मार्केट से। ये हमारे कज़न लोग हैं, इनकी गाड़ी है, तो इसमें जा रहे हैं अब मार्केट। वहाँ से लेंगे फ्रूट भी लेने और इफ्तार के लिए, दावत के लिए कुछ सामान लेना था, चावल ये, तो अभी वही लेने जा रहे हैं। तो फ्रूट वाले को फ्रूट ऑर्डर दे दिया है, वो 10 मिनट में तैयार कर लेगा, तब तक हम दूसरा सामान ले आते हैं। सामने रहे उनकी शॉप, अब जा रहे हैं वहाँ पर सामान लेने, दूसरा चावल वो। तो फाइनली सामान ले लिया है पुलाव का, और बाकी जो घर का सामान है वो ले लिया है, शरबत भी ले लिए, खजूर भी ले लिए, घर पर कप नहीं तो कप भी ले लिए हैं। अब सिर्फ फ्रूट का बाकी, तो फ्रूट लेने आ गए हैं, तो अब जाते हैं और फ्रूट लेते हैं। तो फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं, पूरा सामान ले आए हैं, सब्जी फ्रूट और पूरा सामान। अब इन्हें घर पर रखेंगे, फिर यहाँ पर शाम को इंशाल्लाह पूरी तैयारी करेंगे। तो आप सभी को माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा अलविदा, रमज़ान मुबारक का। और अभी घर पर एकदम बढ़िया तैयारी चल रही है, बाकी काम तो हो गया था, प्याज छील लिए थे, मिर्ची कटिंग कर ली थी, टमाटर वो सब कटिंग कर ली था, बस शरबत बनाना बाकी था। फ्रूट उनके कटिंग हो रहे हैं, यहाँ पर हम शरबत बना रहे हैं, यहाँ पर फ्रूट कटिंग हो रहे हैं। अभी इफ्तारी में टाइम बचा है 1.5 घंटा बाकी है अभी, तो उसके बाद इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर खाने के लिए देखे चढ़ चुकी है, ये सब गांव के हैं हमारे लोग, यहाँ पे मीठे चावल, ये पुलाव, वो चावल को बॉईल करके फिर उसके अंदर डालेंगे। भाई लोग सब हेल्प करा रहे हैं, आज मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, शुक्रिया भाई लोगों का जो इतनी आज मेरी हेल्प की। हमारे सेफ हर वीडियो में आपको दिखाते हैं, क्यों रब की रहमत से मायूस हम, खजाने हैं उसके भला कोई कम, दिया उसने काफिर को भी बेबा। बर्फ ले आए थे शरबत के लिए, चाशनी तैयार कर लिए, अब इसमें बनाएंगे नींबू पानी, और दूसरा रोजेदारों के लिए दूध का शरबत है वो अभी तैयार करना बाकी है। ये शरबत अब लगभग फाइनली तैयार हो चुका है, बस पानी डालना है और तो सब काम पूरा हुआ है। तो पुलाव के साथ छाछ का भी प्रोग्राम था, तो दही ले आए थे, अब दही से छाछ बना रहे हैं। शरबत तैयार हो चुका है, दूध का तैयार हो चुका है, यहाँ पे छाछ तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर नींबू पानी तैयार हो चुका है। अब बस इफ्तारी के लिए बस मस्जिद में जाना है, कुछ ही देर इफ्तारी में, फिर जाके इफ्तारी करेंगे। ये सब हमारे कजन लोग गांव के। अलग है तरावी रोजों की शान, मजा सहरी अफतारी का कब कहां, जुदा शान है लैलतुल कदर की, कि नाजिल हुआ जिसमें सारा कुरान। आप सभी को ईद उल फितर की चांद की बहुत मुबारकबाद, खाना तैयार हो चुका है, बस कुछ ही देर में सर्व करेंगे, मेहमान आने वाले हैं, उसके बाद सबको सर्व कर देंगे। माशाल्लाह काफी अच्छी इफ्तारी रही। क्यों रब की रहमत से मायूस हम, खजाने हैं उसके भला कोई कम, दिया उसने काफिर को भी बेबहा,
हमें भी वो देगा होकर आँख नम, हमें भी वो देगा होकर आँख नम। रमदान 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 रमदान, वही शख्स खुलदे बरी पाएगा खुदा को अबद जिसने राजी किया। ये कौले नबी है वगर ना वो शख्स खसारे में सारे रहेगा सदा खसारे।